ओके सर, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गेट एकेडमी। जरा एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। जो कल हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ MPPSC का और असिस्टेंट इंजीनियर, उस पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का आपके साथ में पढ़ाई रिलेटेड बात नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली आंसर की आपको देंगे कि इनका क्या क्या आंसर है, तो तुरंत आप जल्दी जल्दी अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हुआ था जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने MPPSC का एग्ज़ाम दिया है बाकायदा मध्य प्रदेश में जाकर, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, और वो सभी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देखें जिन्होंने MPPSC का पेपर नहीं दिया है, वो स्टूडेंट्स भी देखें, ताकि हमें पता लग जाए कि हम कितना नॉलेज रखते हैं, कितना मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं यदि हम खुद पेपर देने जाते तो। CGPSC भी अगस्त में होने वाला है, तो जितने छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी ये वाला सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेशन है। ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चन हैं यहाँ पर, टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से शुरुआत के 50 क्वेश्चन जो थे वो नॉन टेक्निकल थे, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन से। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सही आंसर देंगे, और जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो बिल्कुल सही आंसर सबमिट करके आएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, इसी आशा करता हूँ। तो आइए जरा सेशन को सभी के बीच में आप स्टार्ट कर दीजिए। एक टाइप का एक रिविजन सेशन हम इसको मान सकते हैं, एक टाइप का क्विज सेशन हम इसको मान सकते हैं। ये एकदम फ्रेश पेपर आप लोगों के सामने है। जो बच्चों ने MPPSC नहीं दिया है लेकिन वो अपने आप को जज करना चाहते हैं कि हम कितना स्कोर ला सकते थे, या ऐसे स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में MPPSC देना चाहते हैं या किसी स्टेट का JEE का एग्जाम या AE का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये पेपर उनके आंखों के सामने है। तो आइए हम देखते हैं। तो शुरुआत के 10 क्वेश्चन है ना, सॉरी शुरुआत के 50 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नॉन टेक थे, तो जो मध्य प्रदेश के रहवासी जिन्होंने मध्य प्रदेश का GK वगैरह पढ़ रखा है उनको इसकी जानकारी होगी, है ना। कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है ना, तो उन सभी का आंसर आपको बकायदा दिया जाएगा। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, है ना, आप लोगों को क्वेश्चन दिखना चालू हो गए हैं। सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है, ये आप लोगों का चालू हो चुका है सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग। 51 नंबर है क्वेश्चन चालू हुए हैं, तो ये जाएंगे 150 नंबर तक, मतलब 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। सेशन को स्टार्ट करें क्या, आप सभी की आज्ञा हो तो हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों के बीच में उसको बुलाओ, साउंड स्लो आ रहा है क्या, मेरी आवाज वगैरह क्लियर है, ऑडिबल है, विजिबल है सब कुछ, थोड़ा बताओ जरा जल्दी से, मेरी आवाज क्लियर है, ऑडिबल, विजिबल है? आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा वो बढ़ा दो ना बेस इसका, ये नहीं बढ़ेगा, दम लगाना पड़ेगा बोल तो। अच्छा, और इसकी लाइट भी नहीं चल रही, तो पता नहीं लग रहा चालू है कि बंद हो गया। नहीं सर, वो बिना लाइट वाले से, ये डायरेक्ट वाले, कल परसों तो लाइट वाला लगा था ना। अच्छा, वो उसमें, अच्छा साथ में, अच्छा होते हैं। चलिए चालू करें हम लोग। चलिए तो मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा क्वेश्चन जियोटेक का है, 66 नंबर से जियोटेक के क्वेश्चन पूछना चालू हुए थे। जरा जितने भी स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाए हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या आंसर होना चाहिए, इनको मत देखना है, जो टिक लगे हुए शायद गलत भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो टिक लगे हुए वो सही आंसर है, सही आंसर तो मैं बताऊंगा, ये जो टिक लगे हो सकते हैं वो गलत भी हो, क्योंकि ये उस बच्चे ने भेजे हैं जिसने एग्जाम दिया था। क्या आंसर देके आए हैं आप सभी लोग, या आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स में आप लोगों को ऑल स्टेट AE में पढ़ाया हूं, जिन बच्चों ने मेरा UPPSC MPPSC वाला कोर्स ले रखा होगा, ऑल स्टेट AE का कोर्स ले रखा होगा बकायदा, उन लोगों ने पढ़ा होगा मुझसे ये। इवन जिन बच्चों ने SSC JEE का ले रखा होगा उन्हें भी मुझसे ही पढ़ा होगा। जिन लोगों ने गेट का क्लासेस ले रखा होगा, चाहे PD GD VOD टेबलेट लाइव क्लासेस कुछ भी ले रखा होगा, सब मैं पढ़ाया हूँ बकायदा, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर तुरंत हम इसका आंसर दे सकते हैं, ड्रेन टेस्ट। क्या आंसर देंगे, ड्रेन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद ड्रेन टेस्ट की अपन बात करें,
आप भी आ जाओ ना। हाँ आ जाओ, वो रहने दो, वो रहने दो। ठीक है, तो मेरे साथ में परन सर भी यहाँ पर मौजूद है ना। हेलो एवरीवन। तो परन सर आप लोगों के लिए एनवायरमेंट, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ओसीएफ, सीपीएम पर, सीपीएम पर इन सभी जितने भी अदर क्वेश्चंस होंगे उन सबका सॉल्यूशन देने वाले रहेंगे। ठीक है, तो सेशन को जरा जल्दी से शेयर कर दो, एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स। हाँ नहीं, वो पीछे उस पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स को कनेक्ट करिए जल्दी से, तो हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जियोटेक से था सर। जियोटेक में शेयर स्ट्रेंथ से ये पूछा गया था, चैप्टर नंबर जो गेट स्टाइल में जिनको पढ़ाऊंगा या एई में जिसको पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 4 रहा होगा शेयर स्ट्रेंथ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक टेस्ट पढ़ाया था जिसका नाम था स्लो टेस्ट। ठीक है, स्लो टेस्ट बोले तो आपका सीडी टेस्ट है, कंसल्टेशन ड्रेन टेस्ट है। तो पहली स्टेज में भी आपका क्या होता है, ड्रेनेज वॉल हम ओपन रखते हैं, ड्रेनेज अलाउ करते हैं। दूसरी स्टेज में भी हम ड्रेनेज वॉल ओपन रखते हैं, ड्रेनेज अलाउ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों स्टेज में ड्रेनेज अलाउ होता है, इसलिए पानी को बाहर निकलने में समय लग जाता है, इसलिए इसको हम स्लो टेस्ट बोलते हैं। क्या स्लो टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्विक टेस्ट किसको बोलते हैं? क्विक टेस्ट यूयू को बोलते हैं, यूयू को हम यहाँ पर क्विक टेस्ट बोलते हैं, है ना। अब कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है, ये आंसर हो नहीं सकता। सीयू टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि उसने दोनों स्टेज पर ड्रेनेज अलाउ किया है। तो आपका सही आंसर हो गया है ड्रेन टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसाइट एक्सप्लोरेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका साइट एक्सप्लोरेशन पर जब हम खुदाई करते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो वो मैक्सिमम डेप्थ जहां तक हम सेफ रहते हैं, सॉइल की शेयरिंग हम कंसिडर नहीं मान रहे हैं, तो वहां पर जो डेप्थ होती है वो आपकी सिग्निफिकेंट डेप्थ कहलाती है, ऐसा हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद मिनिमम नेट प्रेशर की यदि अपन यहाँ पर बात करें, तो मिनिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी कॉजिंग शेयर फेलियर ऑफ सॉइल इज नोन एज, क्या होगा भैया इसमें से, क्या हो सकता है इसका आंसर आपके हिसाब से, इसका आंसर क्या होगा जरा जल्दी से बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए बता रहे हैं क्या? चलो एक आंसर मुझे मिला है, हमारे बीच में मौजूद है निक, वो प्रियंका चोपड़ा वाले है क्या? नहीं तो क्या आंसर हो सकता है? कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन डी। ठीक है, और बताओ, सिविल यू ने आंसर दिया ऑप्शन डी, मोनू कुमार ने आंसर दिया ऑप्शन डी, डी आ रहा है क्या? सभी लोग डी पे आंसर बोल रहे हैं क्या? देखो दो आंसर यहाँ पर पॉसिबल हो सकते थे, सुना मेरी बात को, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो दो आंसर में हो सकता है, या तो हम उसको नेट सेफ बोल दें या फिर हम उसको नेट अल्टीमेट बोल दें, क्योंकि नेट तो बोलना पड़ेगा क्योंकि उसने खुद ने मेंशन किया है नेट प्रेशर है, तो नेट तो आपको शब्द यूज करना पड़ेगा, या तो आप नेट सेफ बोलो या फिर आप नेट अल्टीमेट बोलो। जब उसने लिख दिया कि आपका सैंपल जो है वो शियरिंग फेलियर पर आ रहा है, गुड सेटिंग चालू है क्या? हाँ, इसको बंद कर दो। तो जब उसने बोल दिया, जब उसने क्या बोल दिया कि द मिनिमम प्रेशर इंटेंसिटी कॉजिंग शियर फेलियर, कि हाँ शियर फेलियर हो जाए वो मिनिमम प्रेशर क्या होगा, तो शियर फेलियर तो तभी होगा ना जब आप अल्टीमेट वैल्यू पर टच करेंगे। यहाँ पे तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो शेयर तो होगा ही नहीं, शेयर तो होगा ही नहीं ना, जब आप अल्टीमेट वैल्यू पर टच करेंगे तब जाके शेयर की बातें होगी, यहाँ पर शेयर की बातें क्यों होगी, यहाँ पे तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो नेट सेफ तो हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर सही आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर सही आंसर बन रहा है। ठीक है, इसलिए गेट की प्रिपरेशन करने से बेनिफिट होता है सारी चीजें। हाँ, तो गेट का प्रिपरेशन करो भाई। ठीक है, गेट का प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है, पूरा डिटेल में पढ़ना इम्पोर्टेंट होती है चीजों को। अब हर कोई व्यक्ति इसका आंसर नहीं दे पाएगा ना क्लियरली। तो 68 हो गए, उसके बाद मेरा 69 पर है क्या? 69 और 70। ठीक है, फिर 101। तो 69 इसको लॉक कर दो। 69 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक जनरल शेयर फेलियर। अब देखो भाई, जनरल शेयर फेलियर हम लोग पढ़ते हैं किसमें ओकर होता है? डेंस सॉइल में ओकर होता है। टिल्टिंग होती है क्या फुटिंग का? हाँ, टिल्टिंग जनरल शेयर फेलियर किसमें ओकर होगा? जनरल शेयर फेलियर डेंस सॉइल में ओकर होगा। टिल्टिंग होगा फुटिंग का? डेफिनेटली होगा, टिल्टिंग होगा।
तो जब फुटिंग टिल्ट कर जाएगी तो यहाँ पर बल्जिंग देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास फुटिंग है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ग्राउंड रहा होगा। तो जब फुटिंग टिल्ट कर गई, या तो राइट साइड टिल्ट करेगी या लेफ्ट साइड टिल्ट करेगी, मतलब या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जैसे मैं बोल दूं कि ये इस तरीके से घूमी है तो इधर साइड का तो उठा देगी, और उधर घूमी होगी तो इधर साइड का उठा देगी, तो बल्जिंग हो रहा है, इसी को हम जनरल शेयर फेलियर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दिए 69 का। कुछ लोग बी भी बोले हैं, फेलियर इज सडन। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जनरल शेयर फेलियर मीन्स बल्जिंग होना, लोकल शेयर फेलियर मीन्स लार्ज सेटलमेंट होना, ठीक है। लोकल शेयर फेलियर में बल्जिंग नहीं होता, जनरल शेयर फेलियर में जरूर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जनरल शेयर फेलियर में वॉइड्स बहुत कम होते हैं, तो सॉइल के अंदर फुटिंग टिल्ट कर जाती है यदि लोड एक्सीड किया जाए तो। तो ओसीसी सॉइल हो गया, डेंस सैंड हो गया, वेल कंपैक्टेड सॉइल हो गई, तो वहां पर जनरल शेयर फेलियर देखने को मिल सकता है। कब? जब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 36 डिग्री हो जाए। डेंसिटी इंडेक्स कितना हो जाए, डेंसिटी इंडेक्स आपका ग्रेटर देन 70% हो जाए, तब आपको ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। एसपीटी, यदि सॉइल का एसपीटी निकालने का मौका मिले तो एसपीटी नंबर जो इसका आ रहा हो वो ग्रेटर देन 30 आ रहा हो, वॉइड रेशियो इसका लेस देन 0.55 आ रहा हो, ये सब हम पढ़े थे। जब जब आपको ये सब कंडीशन देखने को मिलेगी, जनरल शेयर फेलियर ऑकर होगा और बल्जिंग हमें देखने को मिलेगी, जैसा हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, यदि आप लोग को यदि टाइप्स ऑफ पाइल की जानकारी है, तो टाइप्स ऑफ पाइल में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम टाइप ऑफ पाइल की बात करते हैं, तो वहां पर अलग अलग टाइप की पाइल हम देखते हैं, बेस्ड ऑन एक्शन देखते हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल देखते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन देखते हैं, बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन देखते हैं, बेस्ड ऑफ यूज देखते हैं। तो फेंडर पाइल एक ऐसी पाइल है जिसका उपयोग हम कहां पर कर रहे हैं, है ना, फेंडर पाइल एक ऐसी पाइल है जिसका उपयोग हम कहां पर कर रहे हैं, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जनरल शेयर फेलियर में सडन फेलियर भी एक सही आंसर हो सकता है, है ना। सडन फेलियर कैन बी आल्सो वन टाइप मींस टाइप ऑफ करेक्ट आंसर, क्योंकि सेटलमेंट हो नहीं रहा है, सेटलमेंट इज वेरी स्मॉल, सेटलमेंट यदि होता तो उसको टाइम लगता, तो लोकल शेयर फेलियर इज नॉट द सडन फेलियर। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल सकता है जनरल शेयर फेलियर में, क्योंकि हम उसका स्लोप यदि बनाते हैं तो इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस, सडनली लार्ज सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, तो इट कैन बी कॉल सडन फेलियर ऑल्सो, इट कैन बी कॉल सडन फेलियर, बट बल्जिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेलियर। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, अब देखते हैं आने वाले समय में किसको सही आंसर दिया करार दिया जाता है, ठीक है। एनीवे, फिलहाल में फेंडर पाइल इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पर हम जहां भी हर्बर्स और जहां पर हम शिप्स वगैरह जब आते हैं हमारी बाउंड्री पर, तो उसको टच ना करे, हमारा डेक सेफ साइड रहे, तो वहां पर हम जो प्रोवाइड करते हैं पाइल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल फेंडर पाइल्स, ठीक है। तो ये हमारा हुए 5 क्वेश्चन जियोटेक से, 69 से 70 तक। अब अगले क्वेश्चन जियोटेक के हैं 101 से 106 तक, ना 105 तक। तो चलो सबसे आसान क्वेश्चन, जल्दी से वन मार्क में इसका आंसर देंगे सभी लोग, ठीक है। जरा जल्दी से इसका आंसर देंगे हम लोग सभी लोग, इसका आंसर दोगे क्या, इसका आंसर यदि कोई बच्चा इसको यदि कोई गलत करके आया तो मतलब उसने जियोटेक पढ़ा ही नहीं है। इसी में से देख लो, हैं चल रहा है उसमें, इसी में देख लो, पर वो डिले हो रहा है, कमेंट तो टाइम पे आ रहा है, वो उस पे क्लिक करना सिर्फ एक बार, या तो इस पे एक बार क्लिक मार दो यूट्यूब पे, हां यूट्यूब पे साइन पर रिफ्रेश हो जाएगा, यहां ऊपर ऊपर मार दो, रिफ्रेश कर दूं वहां पे, वो एनालिटिक खुला हुआ है क्या? हां स्टूडियो खुला हुआ नहीं, फिर धंधा नहीं सैन में रुक गया था, ये भी चलेगा, उसको भेजता हूँ मैं 2 मिनट जब आपकी बारी आएगी तब। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया आपका, वॉइड रेशियो हो गया। तो जिस बच्चे ने एक्चुअली मुझे ये पेपर भेजा है वो मेरा ही एडिटर है, वो मेरा ही एडिटर है जिसने मुझे ये भेजा है, तो उसके चांसेस है, हाई चांसेस है सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो सही करके आया है, बहुत सारे क्वेश्चन वो सही करके आया है ना। तो वॉइड रेशियो ये अलग आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन दो देखिए आप यहाँ पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका,
इसका आंसर बताइए जरा जल्दी से, क्या आंसर देके आए हैं और क्या आंसर हो सकता है इसका। एनवायरमेंट के कितने क्वेश्चन होंगे सर? जियोटेक के 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के एनवायरमेंट के सर करीब 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन एनवायरमेंट के हैं। पर सीपीएम के 4 3 से 4 क्वेश्चन है, लाउडली बोलना है इसमें। ओपन चैनल फ्लो के 3 क्वेश्चन है, मॉडल एनालिसिस का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। और आरसीसी के भी कुछ 3-4 क्वेश्चन मिले हैं, तो उसको अपन देख लेंगे अभी दिखाई, ठीक है। तो आईएएस का आंसर सभी ने दे दिया होगा, श्रृंखला लिमिट आप अच्छे से समझते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं जब प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं, सॉरी कंसिस्टेंसी चार्ट जब हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसके नीचे यदि जाना चालू करोगे तो फिर वॉल्यूम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, वाटर विल बी रिप्लेस्ड बाय एयर यदि हम ड्राइंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आते आते आपकी सॉइल क्या हो गई, फुल्ली सैचुरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई ये आपकी क्या है, सॉइल फुल्ली सैचुरेट होगी श्रिंकेज लिमिट पर और श्रिंकेज लिमिट के बाद भी। अब इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास लाइज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, आप जानते हैं ये होता है आपका प्लास्टिक लिमिट, आप जानते हैं ये होता है आपका लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का ये जो जोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर इस वाले का क्या हो गया, प्लास्टिक स्टेट, ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही आंसर बनेगा आपका, प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज द रेशियो ऑफ, द करेक्ट आंसर कैन बी गिवन एज स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, ठीक है। आप लोग शायद सोचेंगे कि भाई ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो है वो तो ए वी है, चेंज इन वर्ड रेशियो बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बाय एच नॉट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। सो ये क्या हो रहा है, आपके सैंपल की हाइट रही होगी, तो चेंज इन हाइट डिवाइड में ओरिजिनल हाइट, दिस विल बिकम व्हाट, स्ट्रेन। तो यहाँ पर इसके जगह पर आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रेन इनटू 1 प्लस ई नॉट से। तो मोटा मोटा यदि देखा जाए सो दिस इज व्हाट वी हैव द स्ट्रेन टू स्ट्रेस, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है स्ट्रेन टू स्ट्रेस का रेशियो योर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कायदे से चेंज इन स्ट्रेस होना चाहिए। हाँ, चेंज इन स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है उसके हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रेन टू स्ट्रेस आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। अंडर इन पाइल्स आर जनरली, देखो हम टाइप्स ऑफ पाइल देखते हैं, तो ड्राइवन पाइल्स एक शब्द हम देखते हैं, ड्राइवन पाइल्स मतलब जिसको साइट पर ही ड्राइव किया जाए, अंदर की तरफ धकेला जाए, तो सॉइल क्या हो जाती है, आसपास शिफ्ट हो जाती है, वो ड्राइवन पाइल। अब आपके पास बो अंडर रिम में तो बल्ब बना होता है, उसको कैसे डालोगे अंदर, संभव नहीं है ड्राइवन होना। प्रीकास्ट पाइल, अब यदि पहले से ही वो रेडीमेड है हमारे पास, आपका अंडर रिम पाइल पहले से प्रीकास्ट है, बल्ब बना हुआ है, तो उसको कैसे डालोगे, बल्ब के डायमीटर का बोर बनाओगे या पाइल के डायमीटर का बोर बनाओगे, मतलब वो प्रीकास्ट नहीं होता, उसको साइड पर ही बनाना होता है आपको, और जो चीज साइड पर बनानी होती है तो आपको बोरिंग करके बनाना होगी, एक पहले आपको बोर बनाना होगा, फिर उसके अंदर आपको बल्ब क्रिएट करना होगा। जिन लोगों को मैं पढ़ाया हूँ अंडर रिम पाइल मेरी क्लास में, बकायदा मैं उनकी उसकी कास्टिंग भी बताता हूँ कि किस तरीके से इसको कास्ट किया जाता है फील्ड पर। तो हमारे पास ऐसे सीजर होती है, सीजर डाल के अपन रोटेट करते हैं तो बल्ब फॉर्म होता है फील्ड पर, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो बोर्ड पाइल रहेगा, बाकी सब इसमें से पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल्दी से, 100 अच्छा खत्म है क्या, चलो। तो मेरे जो जियोटेक के क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, बाकी के पर आंसर संभाल रहे हैं, तो आप लोग बकायदा सॉल्व करिएगा। उनके आंसर आ गए क्या बाकी के? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट के रखूंगा, एनवायरनमेंट ओसीएफ फ्लूइड और ये सीपीएम पर्ट के एक दो क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो सब मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो यही वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, फ्लूइड का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन अ फ्लूइड स्ट्रीम मे एक्सपीरियंस ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर ड्यू टू व्हाट, दीज फोर्सेस आर ड्यू टू व्हाट, आंसर बताएंगे इसका।
तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड स्ट्रीम में एक्सपीरियंस ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस, दीस फोर्सेस आर ड्यू टू, तो दीस फोर्सेस आर ड्यू टू प्रेशर एंड विस्कोसिटी हो जाएगा आंसर इसका, दीस फोर्सेस आर ड्यू टू प्रेशर एंड विस्कोसिटी। ठीक है, तो ड्रैग एंड लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग भी बोला जाता है इसको, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन सामने दिखा था तो पहले यही बता दिया, अभी मैं आपको शुरू करता हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बताना। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अपन ने क्लास में कई बार देखा है इसको, तो बोलता है द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द फायर फाइटिंग इज नोन एज फायर डिमांड। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब ये फायर डिमांड निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, उसमें से एक फॉर्मूला इसने यहाँ पर लिख के दे दिया है जो कि है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स फॉर्मूला, जिसको आप NBFU फॉर्मूला बोलते हैं। हमने जब भी इस फॉर्मूले को देखा है, सबसे पहली कंडीशन हमने यहाँ पर बताई है कि जो Q होता है ये होता है लीटर पर मिनट में, P जो होता है ये होता है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, और ये फॉर्मूले के लिए हमारे पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये होता है कि आप इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपकी कम्युनिटी का पॉपुलेशन 200,000 या 200,000 से कम हो, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक कंडीशन होती है NBFU फॉर्मूला की, ये सब अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो बेस्ड अपॉन दीज नॉलेज आपका जो ऑप्शन डी है, क्यू होता है आपका लीटर पर मिनट में एंड पी इज लेस देन और इक्वल टू 200,000, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है एज पर NBFU फॉर्मूला। ठीक है, 4637 रूट ओवर पी इंटू 1 - 0.01 रूट ओवर पी, तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। ये भी बहुत सिंपल है। मॉडर्न टर्बिड मीटर्स वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग पे कौन सा वर्क करता है? चलो आंसर बताओ, लाइट स्कैटरिंग पे कौन काम करता है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइट स्कैटरिंग पे कौन सा टर्बिड मीटर काम करता है? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेफ्लो टर्बिड मीटर, तो नेफ्लो मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं उसका, 1 mg ऑफ फॉर्मेसिन पॉलीमर व्हेन मिक्स विद 1 L ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नेफ्लो टर्बिड मीटर। तो डिले चल रहा है इसमें, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना आंसर इसका। इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूछता है ग्रिट चैम्बर जो आपका इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, ये कौन सी सेटलिंग फॉलो करता है? तो ग्रिट चैम्बर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, ठीक है, और प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, ये दोनों के दोनों फॉलो करते हैं क्या? टाइप 1 सेटलिंग आपको कहाँ देखने मिलती है? टाइप 2 सेटलिंग आपको फ्लॉकुलेशन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, टाइप 2 सेटलिंग आपको फ्लॉकुलेशन के अंदर देखने मिलती है और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर देखने मिलती है। टाइप 3 सेटलिंग आपको देखने को मिलती है एक्टिवेटेड स्लज के बाद जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है वहां पर। टाइप 4 सेटलिंग आपको देखने मिलती है आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर जो आपने सेडिमेंटेशन टैंक लगाया है। ग्रिट चैम्बर में आपको टाइप 1 सेटलिंग मिलेगी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइप 1 सेटलिंग। तो इन्होंने आंसर गलत मार्क किया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइप 1 सेटलिंग। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 83, चलते हैं क्वेश्चन 84 की तरफ। एयर पोल्यूशन का क्वेश्चन है, बेसिकली ये चीज वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। लंडन स्मॉग 1952 में आया था लंडन में, और ये हुआ था बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। अब बर्निंग ऑफ कोल के साथ वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल था, पर यहाँ पर से बर्निंग ऑफ कोल दिया हुआ है आपको ड्यू टू कंबशन की वजह से, और वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो था उसकी वजह से लंडन स्मॉग आया था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन 85, इसके बारे में भी अपन जानते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल जो अपन करते हैं, इसके लिए जो टेक्निक होती है वो होती है ऑटोक्लेविंग। इसके लिए जो टेक्निक होती है दैट इज नोन एज ऑटोक्लेविंग, पर यहाँ पर बोला है विच इज नॉट अडॉप्टेड, आपको कौन सा टेक्निक यहाँ पर अडॉप्ट नहीं करना उसके बारे में पूछ रहा है।
ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए आप कौन सा टेक्निक अडॉप्ट नहीं करोगे वो पूछ रहा है। तो आंसर है लैंडफिलिंग, तो सैनिटरी लैंडफिलिंग इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट मेथड होता है ऑटोक्लेविंग, ठीक है, ऑटोक्लेविंग हो जाता है। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे 85 के बाद है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन। अ यूनिट हाइड्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोग्राफ अ डायरेक्ट रन ऑफ, ये तो पूरे डेफिनेशन लिख दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल जो प्लॉट होता है दैट इज कंसर्न्ड विद यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल। तो इफेक्टिव रेनफॉल मतलब फाइन डेक्स को हटाने के बाद, लॉसेस को हटाने के बाद जो आपको मिलती है रेनफॉल, दैट इज नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन है, ठीक है, तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछाइए। तो इसका 98 का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 99 में, ठीक है। बोलता है ग्राउंड वाटर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द ग्राउंड एंड द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। क्या क्या होते हैं? एक्वीफर होता है, एक्वीफ्यूज होता है, एक्वीक्लूड होता है, एक्वीटार्ड होता है। अब ये बोलता है विच कैन एब्जॉर्ब वाटर, मतलब ये पानी अब्जॉर्ब तो कर लेगा पर यील्डिंग नहीं करेगा। पानी अब्सॉर्ब कर लेगा पर पानी की यील्डिंग नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा एक्वीक्लूड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक्वीक्लूड सच एज शेल। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो 99 भी हो गया, 99 के बाद चलते हैं 100 की तरफ। तो ये अपन एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं, ये अपन इरिगेशन में भी पढ़ते हैं। स्टीलिंग बेसिन इज यूज फॉर, स्टीलिंग बेसिन अपन क्यों यूज करते हैं? स्टीलिंग बेसिन अपन एनर्जी को डिसिपेट करवाने के लिए यूज करते हैं। OCF में भी अपन पढ़ते हैं, जब भी अपन हाइड्रोलिक जंप पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक जंप में अपन कई बार इसका भी एग्जांपल देते हैं, एनर्जी को डिसिपेट करवाने के लिए हम लोग स्टीलिंग बेसिन यूज करते हैं। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी 100 को ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107। चलो क्वेश्चन नंबर 107, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो इन अ 1 in 40 मॉडल, तो मतलब यहां पर आपको LR की वैल्यू दे दिया है, LR की वैल्यू दिया है LP/LM दिस इज इक्वल टू 40, ये जानकारी आपको दिया हुआ। द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर 2 meter per second, तो आपको वेलोसिटी दिया है मॉडल का, वेलोसिटी दिया है मॉडल का 2 meter per second, और डिस्चार्ज भी दिया है मॉडल का 2.5 meter per second। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है। आपको ये चीज पता है कि VP/VM जो होता है दिस इज इक्वल टू √LR, एज पर द मॉडल लॉ ये हो जाता है √LR। तो यहां पर आप कर दोगे √40, आपको निकालना वीपी है, तो वीपी क्या हो जाएगा और वीएम आपको सवाल में दिया है, तो 2 into √40 हो जाएगा, 2 into √40 हो जाएगा। तो 2 into √40 इसको आप सॉल्व करोगे तो 12.65 meter per second आंसर आ जाएगा, 12.65 meter per second। इसमें आप उल्टा गलती कर सकते हो बेटा, ये LP/LM 40 होगा, है ना, LM/LP 1/40 होगा। तो ये जो आपको दिया है 1 in 40, तो ये मॉडल वर्सेस प्रोटोटाइप दिया हुआ है, तो ध्यान रखना इस चीज का, उल्टा कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, और उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, सही बात है, 107 का ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्लो नेट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2-dimensional इरोटेशनल फ्लो। तो डेफिनेशन ही है इसका, फ्लो नेट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2-dimensional इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। तो आपका इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस जो ऑर्थोगोनल होते हैं, तो दे फॉर्म अ स्क्वायर ग्रिड पैटर्न विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एंड इट इज पॉसिबल केस ऑफ 2-dimensional इरोटेशनल फ्लो। तो लैपलास इक्वेशन वैलिड होती है, पता है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2-dimensional इरोटेशनल फ्लो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एनर्जी लॉस इन पाइप। अब ये एनर्जी लॉस के बारे में पूछ रहा है, तो मेजर लॉस आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा,
तो मेजर लॉस जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एनर्जी लॉस इन पाइप. तो आप मेजर लॉस रिपोर्ट करो. अगर ऑप्शन में मेजर लॉस दिया हुआ है, मेजर लॉस क्या होता है? फ्रिक्शन लॉस होता है. आप हमेशा रिपोर्ट करोगे मेजर लॉस को. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. 109 का ऑप्शन सी करेक्ट है. ठीक है. सो व्हेनेवर इन ऑप्शन मेजर लॉस इज गिवन, आप उसको प्रायोरिटी पहले दोगे. तो फ्रिक्शन मेजर लॉस होता है, इसके अलावा माइनर लॉस होते हैं बहुत सारे पाइप में, पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में डिस्कस किए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन है सारे. और है क्या? 110. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. तो ये ओसीएफ में भी पढ़ते हैं अपन, इरिगेशन में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह पढ़ते हैं अपन ये चीज. अ वाइड अनलाइंड चैनल इज कैरिंग अ सिल्ट फ्री वाटर हैज अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर. तो यहाँ पर डेप्थ आपको दे रखा है 2 मीटर. ठीक है. द मैक्सिमम ट्रैक्टिव स्ट्रेस, मतलब टाउ नॉट की वैल्यू आपको दे रखा है 1.96 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यूनिट का ध्यान रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. वॉट इज द मैक्सिमम स्लोप, तो एस नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, बेड स्लोप की वैल्यू आपको निकालनी है. तो आपको पता ही है टाउ नॉट इक्वल टू गामा आर एस नॉट. ये जब अपन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ते हैं वहां पर ये कंडीशन डिराइव करते हैं कि सेल्फ वेट इज सफिशिएंट टू बैलेंस द फ्रिक्शन लॉस. ये कंडीशन को जब अपन डिराइव करते हैं तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाती है. यहाँ पर ध्यान देना, ये वाइड चैनल के बारे में बात कर रहा है. तो वाइड चैनल में आपको पता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है वो डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होता है. वाइड चैनल में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होता है. बस वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. गामा क्या है? गामा डब्ल्यू के बराबर 9.81. इस 9.81 का जो यूनिट होता है वो होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. यहाँ पर यूनिट आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो न्यूटन में. आर का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे एस नॉट. एस नॉट आपको निकालना है और ये वैल्यू दिया है 1.96. तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कहाँ गया. 1 in 1.0010. एक्चुअल में ये आंसर आएगा, एक्चुअल में ये आंसर आएगा जिसको आप लिख सकते हो 1 in 10,000. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. आप 10,000 को 10^4 लिख सकते हो. ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. 1 in 10^4, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्लास में डिस्कस किया हुआ ये चीज अपन ने कई बार, है ना. तो ओसीएफ में भी डिस्कस किया हुआ है, इरिगेशन में भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. अब चलते हैं 111 में. तो सीपीएम का क्वेश्चन है, एक्टिविटी विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. तो एक्टिविटी तो है लेकिन इसको कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती. ये हम अपनी सहूलियत के लिए लगाते हैं, अपने नेटवर्क की लॉजिकल और ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए. इसे हम लोग बोलते हैं डमी एक्टिविटी. तो ये डमी हम लोग लगाते हैं अपने नेटवर्क में इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉजिकल एंड ग्रामेटिकल नीड ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. अब ये डमी एक्टिविटी क्योंकि हम लोग ने लगाई है, ये आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होती है. तो डमी एक्टिविटी आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होती है. ठीक है. दैट इज वाई यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेस. तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट. टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट होता है आपका इंटरफेरेंस फ्लोट. दिस इज इक्वल टू इंटरफेरेंस फ्लोट और यही चीज आपका इक्वल टू होता है स्लैक ऑफ हेड इवेंट के. स्लैक ऑफ हेड इवेंट के बराबर भी होता है. यही चीज आपका स्लैग ऑफ हेड इवेंट के बराबर भी होता है, मतलब एल जे माइनस ई जे के बराबर भी होता है. दिस इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस फ्लोट. ठीक है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरफेरेंस फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के बीच में. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस फ्लोट. ऑप्शन टिक करते हुए ध्यान रखना, ऑप्शन टिक करते समय ध्यान रखना इंटरफेरेंस फ्लोट होगा इसका आंसर. ये हो गया. अब चलते हैं. कॉस स्लोप के बारे में पूछ रहा है. सो आपको ये इंफॉर्मेशन है कॉस स्लोप अपन बनाते हैं ऐसा. ठीक है. तो दिस इज थीटा सी एस, ये निकालना है आपको. और यहाँ पर होता है आपका नॉर्मल टाइम और आपने यहाँ पर कॉस मतलब टाइम कम कर दिया तो क्रैश टाइम बोलते हैं इसको. दिस इज नॉट सी एन, दिस इज टी एन.
ये होता है आपका नॉर्मल टाइम, ये होता है आपका क्रैश टाइम, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो आपको कॉस्ट मिलती है दैट इज क्रैश कॉस्ट, इसके रिस्पेक्ट में जो कॉस्ट मिलती है दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। अब थीटा सी एस आपको निकालना है, दिस इज इक्वल टू सी सी माइनस सी एन डिवाइडेड बाई टी एन माइनस टी सी, मतलब क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो अब यह ऑप्शन ढूंढ लो, यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आया सबका ये वाला, आई सपोज ये आंसर आया होगा सबका। चलो तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 115, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 115। एनवायरमेंट का एक दो क्वेश्चन और है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131। ये रहा, An activated sludge process operates at a flow rate of, तो मतलब आपको Q का वैल्यू दिया है 540 मीटर क्यूब पर डे, having a effluent BOD मतलब S naught का वैल्यू दिया है आपको 200 मिलीग्राम पर लीटर, volume of the aeration tank मतलब V का वैल्यू दिया है 60 मीटर क्यूब, एंड बायोमास कंसंट्रेशन मतलब MLSS कंसंट्रेशन आपको दिया है 3000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, F by M रेशियो पूछा है, F by M ratio आपको पता है Q into S naught divided by V into X, ये होता है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब याद रखना पर डे में निकलता है ये, दिस इज पर डे, तो इसका जो आंसर आता है पर डे में आता है, तो डिस्चार्ज को मीटर क्यूब पर डे में ही पुट करना, तो इसको आप पुट करोगे 540 मीटर क्यूब पर डे, S naught और इसका यूनिट सेम है, S naught दिया है 200 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम आपको दिया है 60, X का वैल्यू दिया है 3000, दिस इज 3000, और ये है आपका F by M ratio, तो ये वैल्यू आ जा रही है 0.6 पर डे। तो हम जो स्टैंडर्ड ASP डिजाइन करते हैं उसमें अपन 0.3 पर डे का F by M ratio चाहते हैं, अब यहाँ पर 0.6 आ जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, तो 0.6 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करके आपको आंसर निकालना था। ये भी हो गया 132। एग शेप्ड सीवर जो है, एग शेप्ड सीवर का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है, आपको सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी देता है एट लोअर डिस्चार्ज। तो अगर आपका पानी का डिस्चार्ज कम भी है, जैसे अपन जानते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, द मिनिमम वेलोसिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, ठीक है। सो अगर आपका मिनिमम फ्लो कंडीशन भी है तब भी आपका सीवर ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिसमें सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन रहे। अब क्या होता है, जो एग शेप्ड सीवर होता है ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है, ये लोअर डिस्चार्ज में भी आपको सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी देता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, प्रोवाइड्स अ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एट लोअर डिस्चार्ज होना चाहिए था यहाँ पर, आगे एट लोअर डिस्चार्ज या एट मिनिमम डिस्चार्ज जो भी आप बोलना चाहो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इन्होंने पहला ऑप्शन मार्क किया तो ये ऑप्शन गलत मार्क किया है इन्होंने, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट है निक, 132 का बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और क्या है, 132 हो गया, 134, अच्छा ये भी तो है, सुटेबल लेआउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद अ रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न, तो मतलब रोड का पैटर्न ही रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर ग्रिड पैटर्न हो जाएगा। तो मेन सब मेन ब्रांच और लेटरल सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम होता है, जैसे ग्रिड आयरन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये पैटर्न होता है रोड आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। 134 अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन स्टीम, पता नहीं कितने साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, तो मैक्सिमम एट नून, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, तो फोटोसिंथेसिस के साथ इसका रिलेशन है, ये चीज अपन ने बता रखी है पहले,
134 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये 135 क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो इन चिल्ड्रन मैथिमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड बाय, अब मैथिमोग्लोबिनेमिया तो होती है जब आपका नाइट्रेट कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए, और ये चीज सिर्फ बच्चों में होती है, ठीक है, ये चीज जो होती है सिर्फ बच्चों में होती है। क्यों होती है बच्चों में? क्योंकि जब नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाता है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी एंजाइम्स होती है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस कर देती है। छोटे बच्चे होते हैं, इनके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी एंजाइम्स होती है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, गलत जवाब है बेटा निक आपका, निक आप जो आंसर कर रहे हो गलत जवाब दे रहे हो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट टू नाइट्राइट। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्टमक में ऐसी, जो इनकी इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी एंजाइम होती है जो नाइट्रेट को रिड्यूस कर देते हैं नाइट्राइट में, इसकी वजह से मैथिमोग्लोबिनेमिया होता है। तो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इंटू नाइट्राइट इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होता है, वो नाइट्रेट नाइट्राइट में रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से आपको ये ब्लू बेबी डिजीज देखने को मिलती है। चलो 135 भी हो गया, 135 भी हो गया, अरे ये क्या हो गया, 143। Which of the following devices are usually used to measure the pipe flow? Pipe flow मतलब discharge निकालने की बात कर रहा है, तो venturimeter is the correct option. Venturimeter is the correct option. तो लीलेश कुमार सही बात बोल रहे हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता तभी ब्लू बेबी डिजीज होता है, तो venturimeter is the correct option. ठीक है आगे 145 ये भी पढ़ाया हुआ है, ये सेम चीज पढ़ाई है क्लास में, तो एमपीपीएससी जितने बच्चे देखे हैं उनको एफएम में नहीं पढ़ाया था, तो इसका आंसर सबने किया होगा। तो एमपीपीएससी वाले बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था मैंने, तो सबने इसका आंसर किया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। लैमिनार बाउंड्री लेयर के बारे में बोला है, तो ये आप कैसे निकालते हो, ग्लेशियस इक्वेशन से निकालते हो, 0.664 एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर ई, ये बता रखा है आपको, ठीक है, इसको ग्लेशियस इक्वेशन बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लेशियस इक्वेशन। तो इसका 145 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 145 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्यों आरसीसी वाला भी दे दूं कि आपके पास तीन चार क्वेश्चन है जो अपूर सर भेजे हैं? अच्छा मैंने लिखा है, वैसे लिख लिया तो दे दो, आप दे दो, ठीक है। तो इतना फिर मेरी तरफ से था, अब मैं बुलाता हूँ आलोक सर को, तो रिमेनिंग जितना भी है वो सारे क्वेश्चन आलोक सर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, प्लीज सर आइए। सोम के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और अपूर्व सर ने जो क्वेश्चन भेजे हैं आरसीसी वगैरह के स्ट्रक्चर के वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो फटाफट से मैं आप लोग को ऑप्शंस बता देता हूँ उसमें क्या है। सो स्टार्टिंग होगी हमारी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 76 से, ओके चलिए 76 से आई थिंक यस। सो सिंपल क्वेश्चन है, तो काफी सिंपल था, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है और मिड पे लोड लग रहा है, तो आपका डब्ल्यू एल बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, तो काफी सिंपल है, ठीक है, वन मिनट। तो ये वाला केस था आपका, अगर आपका सेंटर पर लोड लगता है तो हमारा डब्ल्यू एल बाई 4 आता है यहाँ पर, डब्ल्यू एल बाई 4 ये सभी लोगों ने सही किया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑप्शन नंबर सी। गुड मॉर्निंग होमेन, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। सो 76 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का, ओके। सो 77 या पुरुष सर ने भेजा इसका आंसर, सो 77 आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए। देन 78 काफी सिंपल क्वेश्चन है, 78 देखें काफी सिंपल है, बेंडिंग इक्वेशन की बात की है, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन की बात की है, डायरेक्टली आपको बेंडिंग इक्वेशन पूछ लिया, एम बाई आई सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू ई बाई आर, आई थिंक सभी लोग को पता होगा बेंडिंग इक्वेशन एंड टॉर्सन इक्वेशन, ठीक है।
सो आपका 78 का ऑप्शन सी, 77 का ऑप्शन आपका ए. नेक्स्ट आते हैं 79 पर. ठीक है, 79 पर देखिए, जब हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो चीज बताई थी कि सभी के नाम याद कर लीजिएगा कि कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर किसने दिया है, तो उससे आपका काम बन जाएगा. ठीक है, तो ये वही सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लास में 100% ये सब डिस्कस किया था, जैसे कि फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये बात हुई थी कि डक्टाइल के लिए बेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर कौन सी होती है. तो अगर ऑप्शन में हमारे पास मैक्सिमम डिस्टॉर्शन और मैक्सिमम शियर दोनों दिया जाता है तब भी हम मैक्सिमम शियर की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम शियर हमारा ओवर सेफ डिजाइन देता है ना, ओवर सेफ डिजाइन देता है डक्टाइल मटेरियल के लिए. और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी लगाते हैं और डक्टाइल के लिए मैक्सिमम शियर लगाते हैं. तो 79 का ऑप्शन आप लोगों ने बी किया होगा, ए नहीं होता है. सी यहां पर देखिए, डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही है, डक्टाइल मटेरियल की, तो डक्टाइल मटेरियल शियर में कमजोर होता है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगती है. अगर यही चीज ब्रिटल मटेरियल के लिए होता तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में कमजोर होता है तब आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आंसर होता. ठीक है, तो 79 का ऑप्शन आपका बी होगा. नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही सिंपल है. देखिए डायरेक्टली किसने दिया है नाम, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम लोग रैंकाइंस थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम लोग रैंकाइंस थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक, सिंपल, डायरेक्टली नेम से इनका पूछा गया है. नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 116 है. क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, जो अगला क्वेश्चन है इसमें. हाँ, इधर ठीक है, इधर है. ठीक है, तो ये भी सिंपल है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन इसमें लगाना है, फॉर्मूला यहां पर. अगर आप क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे तो 16 में आपको दे दिया गया भाई कितनी लेंथ है उसका, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है और कितना लोड लग रहा है. और ये तो देखिए यहां पर कैलकुलेशन तो है, लेकिन बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. कैसे, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए का फॉर्मूला लगाना है. पी आपको दिया गया है 30 किलो न्यूटन, सो 30 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर दीजिए, न्यूटन में हो जाएगा. ठीक है, डेल्टा, और लेंथ को आप मिलीमीटर में ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको आंसर मिलीमीटर में चाहिए तो लेंथ को मिलीमीटर में ले लोगे तो ये 2500 मिलीमीटर हो जाएगा. 2.5 को हम 2500 मिलीमीटर लिख सकते हैं, और एरिया 125, एरिया को 125 रहने दो, और यंग्स मॉडुलस को मेगा पास्कल में कर दो, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 ये बन जाएगा. ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपल हो गया, इजिली देखो 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 चला गया यहां से, ये 200 का 2 जीरो, यहां 2500 का 2 जीरो चला जाएगा, 25 5 बार इसमें जाएगा. ठीक है, और ये आपका 6 बार चला जाएगा, और 6/2 आपका 3 मिलीमीटर आ जाएगा. तो देखिए कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था, ऐसे डाटा रखा गया था, एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल है, सभी लोगों ने किया होगा. नेक्स्ट आते हैं 117. सो इस क्वेश्चन को तो मैंने क्लास में ही बोला था कि एक ऐसा क्वेश्चन है, ये जो रिलेशनशिप होता है ये आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए. तो सेम चीज अभी क्या देखिए, इन तीनों वो जो रिलेशन हमने देखी थी, इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू है ना, इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 म्यू. तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन के द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता, क्लास में भी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो सिंपल है, 117 भी आप लोगों ने सही किया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या हमारा है, 117 के बाद 118 भी है. ओके, हाँ, इसमें देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, चलिए बताइए इसमें आप लोगों ने क्या आंसर किया है. ये भी चीज मैंने क्लास में बात की थी, तो देखना चाहता हूं इसमें किसी ने गलती तो नहीं की है. क्वेश्चन नंबर 118 बताइए सभी लोग, आप लोगों ने क्या आंसर किया है. क्वेश्चन नंबर, अच्छा लड्डू था, चलिए बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लड्डू ही आया था. ठीक है, हाँ चलिए इसमें बताइए क्या आंसर किया था आयुष आपने. एवरी मटेरियल ओबेज द हुक्स लॉ विद इन इट्स. ओके सुमित, ओके ओके, करेक्ट कर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. चलिए किसी ने भी गलत आंसर नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. यही चीज बहुत बच्चे गलती करते हैं, और देखिए ऑप्शन ए में वही रखा जाता है जो आप गलती कर सकते हो. ठीक है, ऑप्शन ए में जनरली वो चीज रख देते हैं जो हम लोग गलती करते हैं. तो इलास्टिक लिमिट नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होगा. वेरी गुड, सभी बच्चों ने करेक्ट ही आंसर किया इसका, बहुत अच्छे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19. अबू सर ने इसका बताया है, आंसर हमारा ए है. ठीक है, आंसर 119 का ए हो जाएगा. ठीक,
नेक्स्ट आते हैं 120 पर, 120 पर. सो क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है स्ट्रेन एनर्जी, है ना. अब स्ट्रेन एनर्जी के हम लोगों ने काफी एक्सप्रेशन देखे थे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं देखा था हम लोगों ने. लेकिन अब कोई नहीं देखा है इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बहुत लोग नन ऑफ द अबव मार देंगे क्योंकि ऐसा कुछ तो हमने देखा ही नहीं है. ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या आंसर किया बताइए फटाफट से, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या एक एक्सप्रेशन आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर बाई टू ई. तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था, लेकिन इन दोनों में से कोई भी यहां पर मैच नहीं कर रहा है. तो फिर कौन सा मैच करेगा, देखिए हमारा ये मैच कर सकता है क्योंकि हमें पता है भाई यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू ये स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और सिग्मा की जगह हम लोग एप्सिलॉन इंटू ई लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन इंटू ई. और जब यहां पर आप एप्सिलॉन इंटू ई फिट करोगे तो क्या बन जाएगा, हाफ एप्सिलॉन इंटू ई इंटू एप्सिलॉन, तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन का स्क्वायर इंटू ई, हाफ एप्सिलॉन का स्क्वायर इंटू ई, ऑप्शन सी बन जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहां पर बन जाएगा, डी नहीं मार देना इसमें. ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा था. ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग जनरली ये दोनों पढ़ते हैं. ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 120. उसके बाद आते हैं 128 पर, चलिए 128 पर. ओके, 128 यस, ठीक है. हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे इसमें कि थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है. यहां पर देखिए क्या बात, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ना कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें दो तीन बातें बहुत सही दी गई, यहां पर फ्लेक्सिबल ज्वाइंट बोल दिया गया है, तो आपका हुप स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा. अगर ये रिजिड बोल देता तब यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता. ठीक है, अब उसके हिसाब से देखिए, हमें हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला तो पता है सभी को कि सर ये पीडी बाई टू टी होता है. ठीक है, सिलेंडर के केस में पीडी बाई टू टी होता है. अब प्रेशर डायरेक्टली यहां पर नहीं दिया गया है, अब पानी है और डेप्थ है, देखो फ्लूइड और ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया इस क्वेश्चन में. तो हमें प्रेशर पता है रो जी एच होता है, अब रो जी एच आपका स्पेसिफिक वेट ओमेगा हो जाता है रो जी, तो रो जी की जगह हम लोग ओमेगा लिख देंगे और इसकी जो डेप्थ है पानी की वो एच, तो ये आ गया प्रेशर. ठीक है, और डी यहां पर ये कैपिटल डी दिया गया है डिवाइडेड बाई टू टी. अब ये आपका हुप स्ट्रेस आएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया आपसे हुप टेंशन, और हुप टेंशन भी पूछा गया है आपसे पर मीटर हाइट के हिसाब से, पर मीटर हाइट के हिसाब से. तो जब आप इसमें टी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी, इसमें आप टी से मल्टीप्लाई कर दो हुप स्ट्रेस इनटू टी, तो ये जो यूनिट बनेगी वो न्यूटन पर मीटर की बनेगी और वो पर यूनिट विड्थ आपको बता देगा, और ये बन जाएगा आपका ओमेगा एच डी बाई टू. ये आई थिंक ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया है. ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया, सही किया आप लोगों ने. चलिए अच्छा, कुछ लोग इसका सी भी बता रहे थे, चले पिछले का हो सकता, अच्छा पिछले का आप लोग बता रहे थे सी, ठीक है, वेरी गुड. सो ये हो गया क्वेश्चन 128 के पहले. अच्छा, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं 126, ठीक है, ये आई थिंक किसका है, अच्छा इसका सीसी वाला, ठीक है, तो 126 का, हाँ ठीक है, तो 126 का इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस अपरूप सर ने भेजे हैं तो वो मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, है ना, उसका फिर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शंस बता दे रहा हूँ. ठीक है, सो 126 का हो जाएगा बी, 127 का आंसर आ जाएगा 127 सी. चलिए इन लोगों ने भी करेक्ट ही मारा है ना, बहुत इनके करेक्ट मिल रहे हैं. सो 126 127 128 हो गया है हमारा. ठीक है, 128 हमारा सोम का ही था. 129 देखते हैं, 129 ऑप्शन ए, ठीक है, 129 का ऑप्शन ए हो जाएगा. देन चलिए आप लोग भी बताते चलिएगा आप लोगों ने क्या क्या टिक किया है क्वेश्चन के साथ. ठीक है, चलिए 129 हो गया. देन आपका क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन डी, सब तो हमारे इस पे करेक्ट टिक ही है. ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 130 का ऑप्शन डी. देन 130 के बाद और हमारे पास जो क्वेश्चन है 146 पर आ जाते हैं. सर, 130 ओके, और
और ऑप्शन ठीक है। चलिए जरा इसका इसका कुछ डिस्कशन होगा, इसका जरा देख लीजिए 130 में क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पर डिफॉर्म्ड बार दिया हुआ है, तो डिफॉर्म्ड बार में अपन आपको जैसे पता होगा 1.6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी 1.6 वाला दिया हुआ नहीं है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये वाला। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, कंप्रेशन में होता है तो 25% लेते हैं, HYSG बार होता है तो अपन उसको 60% इंक्रीज कर देते हैं, तो 1.6 करते हैं, और कंप्रेशन और डिफॉर्म्ड दोनों होता है तो 1.6 × 1.25 दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आपको डिफॉर्म्ड बार दिया है, दैट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट HYSG बार्स ओनली। अब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी आपको 1.6 का टर्म दिख नहीं रहा है, मतलब 60% वाला कुछ टर्म यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। पर आपका आंसर कार्य से यहाँ पर 1.6 भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा ये करेक्शन है, हो सकता है यहाँ पर मार्क्स टू ऑल भी हो जाए, जैसा भी रहेगा जैसा देखा जाएगा। 130 के बाद ही कुछ ही ऐसा उसी के ही है सर, जो भी है ना ये वो अंकित जैन के होंगे, ये नीचे वाले। हाँ सर, अंकित जैन सर के। ठीक है ठीक है। सो ये हो गया आपका, चलिए ऐसा कुछ होगा तो बता देंगे सर। सो नेक्स्ट आपका 146 है हमारे पास, 146 ऑलमोस्ट आपको सारे मिल ही जाएंगे करीब करीब, ठीक है। 146 का भी ऑप्शन सी है, ठीक है। 146 का भी, ठीक है चलिए। देन हमारे पास 146, देन नेक्स्ट आपका 147 का भी आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। 147 का भी ऑप्शन ये सी है। नहीं संजय, अपूर सर का पेपर नहीं है, ये किसी और का है, ठीक है। ये 147 का सी हो जाएगा। 148 पर आ जाते हैं, 148 का आंसर ए है। हाँ ठीक है, ए यहाँ पर ठीक है, बी है ठीक है। 148 का हमारे पास ए है, और लास्ट इसमें जो है 149 पर आ जाते हैं। 149 आंसर इज सी, 149 इज सी, ठीक है। सो इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अंकित जैन सर ने जो दिए हैं उनका भी मैं आपको आंसर दे देता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 53 है, आई थिंक बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, या पर सीपीएम वाले होंगे, ठीक है। सीपीएम हो गया, एस्टिमेशन कॉस्ट ओके, तो आप ही कर दीजिए सर इसको, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, मैकेनिक। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 ओके यस ठीक है। सो 53 ऑप्शन ए ठीक है, यहां पर टिक भी है, ठीक है। 53 का आ जाएगा आपका आंसर ए। देन हमारा नेक्स्ट है 54 ओके हाँ ठीक है। सो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आई थिंक आपके सब उसके होंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के, ठीक है 54। देन नेक्स्ट हमारा 55 का ऑप्शन यहां पर डी आया है, ठीक है। 55 का ऑप्शन डी, ठीक है चलिए। सो नेक्स्ट हमारे पास तीन चार क्वेश्चन और, उनको भी देख लेते हैं। 91 ओके सो यस हाँ यस सो क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन ए यहां पर ऑलरेडी टिक्ड है, करेक्ट है ये ऑप्शन, ठीक है, स्टील का है ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, 91 के बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 का भी ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है। सो आई थिंक सारे, अच्छा तीन क्वेश्चन और बचे, 136 137 एंड 138 इसको भी देख लेते हैं लास्ट में, उसके बाद आई थिंक आपका टेक्निकल का ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा, एक दो कुछ बचेगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, तो अभी परन सर उसको भी बता देंगे आप लोगों को। सो 136 पर आ जाते हैं, यस ठीक है। सो 136 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 136 का आपका ऑप्शन बी है। एंड 137 की बात करते हैं तो 137 आपका ऑप्शन सी है, और जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास 138
उसका भी ऑप्शन आपका सी एफ में करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो रिमेनिंग है आपके ट्रांसपोर्टेशन के, वो अभी परन सर बता देंगे आपको। So, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन है, ये सुशांत सर ने सॉल्व करके दिए हैं, तो यहाँ पर मैं वो सारे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 71, तो ट्रांसपोर्टेशन और इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, सुशांत सर ने सॉल्व करके दिए हैं, तो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन 71 पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन इंडिया, इट वाज डन बाय नागपुर रोड प्लान। तो बिल्कुल अच्छा, नागपुर रोड प्लान नहीं, इंडियन रोड कांग्रेस, इसका आंसर दिया सुशांत सर ने, ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस इसका जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72, द ड्रेनेज लेयर इन द हाईवे पेमेंट इज नोन एज, द ड्रेनेज लेयर इन द हाईवे पेमेंट इज नोन एज, तो इसका आंसर दिया है सर ने 72 का बी ऑप्शन दिया, 72 का बी ऑप्शन दिया है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, तो ये सुशांत सर ने दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन और इरिगेशन के क्वेश्चंस का आंसर। 73, If R is the radius of main curve and L is the length of transition curve, then the shift of the curve, ये तो L square upon 24 hour standard है, L square upon 24 hour, बिल्कुल, हाँ तो IRC correct option है, ठीक है संजय सही बता रहे हैं। तो question 73 के बाद अपन चलते हैं question 74 में, तो CBR test के बारे में कुछ पूछ रहा है। In CBR test, the value, सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाँ बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन पे अपन निकालते हैं। ठीक है, 74 के बाद है 75, क्वेश्चन 75, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट स्लैब द डिजायर लिमिट ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, तो 75 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द आंसर गिवन बाय सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। चलो, द साइज ऑफ द वुडन स्लीपर ब्रॉड गेज में कौन सा यूज होता है, तो इसका आंसर दिया है 86 का सी ऑप्शन दिया है, 86 का सी ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी चेक करते जाना, एक बार टैली करते जाना, तो आपको भी कंफर्मेशन हो जाएगा, है ना, तो आप लोग भी आंसर बताते जाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, फिश प्लेट्स के बारे में बोला है। ठीक है, फिश प्लेट्स यूज इन इंडियन रेलवे शुड हैव द कार्बन कंटेंट इक्वल टू 0.32-0.42, इट शुड बी 0.32-0.42, तो 87 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 87 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 87 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। Morgan keys are suitable for CI chairs, plate sleepers and metal sleepers. The specifications are, इसका 88 का option D बताया है, 88 का option D। Next question 89, मतलब रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो 89 का option A, 89 का option A बताया है सर। 89 के बाद 90, सारे रेलवे के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रेलवे के ही हैं। 90 का ऑप्शन डी है, 90 का ऑप्शन डी है। 90 के बाद 62, 90 के बाद 62, सिक्सटी
62 का ऑप्शन ए, तो बिल्कुल इन्होंने भी सही जवाब दिया. विच ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज्ड बाय इंडियन रेलवे, तो क्यूबिक पैराबोला कर्व होता है, बिल्कुल करेक्ट है, 62 का ए ऑप्शन, ठीक है. 63 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैक, अगेन सारे रेलवे के क्वेश्चन है यहाँ पर, रेलवे का मतलब मैक्सिमम वेटेज है ऐसा लगता है, तो 63 का ऑप्शन डी बताया है सर, 63 का ऑप्शन डी. 64 हील डाइवर्जेंस रेशियो, सो हील डाइवर्जेंस 64 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है. 65 पे चलते हैं. changes डेली वेरिएशन के बारे में बता रहा है, डेली वेरिएशन, तो 121 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. 123 भी देख लेते हैं. according to ICAO ऑल मार्किंग्स ऑन द रनवे, तो रनवे पे सारी मार्किंग्स जो होती है येलो कलर की होती है, ठीक है. 123 का ऑप्शन ए करेक्ट है, तो 123 का ऑप्शन ए करेक्ट है. ये भी 124 भी एयरपोर्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक. द मैक्सिमम ट्रांसवर्स ग्रेड एज पर ICAO ऑफ डी टाइप एयरपोर्ट इज, तो 124 का ऑप्शन बी 2%. तो ये तो हो गए आपके ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस. अब इरिगेशन के 4-5 क्वेश्चन है उसको अपन देख लेते हैं. 56 द लिमिटेशन ऑफ ब्लाई स्टोरी ऑब्जर्व एस मेड, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट, सारे ही हैं इसमें, ठीक है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. 56 का ऑप्शन डी. नेक्स्ट है 57 क्या बोलता है. अ डिवाइस वेयर सिल्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वॉटर एंटरिंग इन टू द कैनाल इज नोन एज फॉलिंग एंड इट इज प्लेस्ड एट, तो दो चीजें पूछ रहा है आपको, तो इसको अपन सिल्ट एक्सक्लूडर बोलते हैं एंड इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द हेड रेगुलेटर, ठीक है. तो आदर्श सिंह बता रहे हैं मार्किंग व्हाइट कलर से होती है, तो येलो कलर बताया सर ने, चेक कर लेंगे, ठीक है, उस पे और इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे आदर्श सिंह, ठीक है. सो 57 हो गया. 57 के बाद 58 क्वेश्चन देख लेते हैं. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बोला, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैनाल लाइनिंग डिक्रीज डिस्चार्ज, तो यही ऑप्शन सर ने भी बताया और इन्होंने भी सही मार्क किया, बिल्कुल 58. नेक्स्ट है 59. अ लार्जर लेंथ ऑफ ग्रोइन पॉइंटिंग अपस्ट्रीम यूज्ड फॉर द रिवर ट्रेनिंग वर्क इज नोन एज, तो गायरोन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन है, रिपेलिंग. लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन 60, फिर आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए. 60. तो इन अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इफ नेचुरल ड्रेनेज इज कैरिड ओवर द कैनाल, ओवर द कैनाल मतलब सुपर पैसेज हो, जैसे सुपर पैसेज, हाँ तो ये सुपर पैसेज है, ठीक है. तो सारे टेक्निकल क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है, तो ठीक है, तो
आप लोग भी सारे क्वेश्चंस जितने आप लोग बना के आए हो सब कुछ मिला दीजिए, तो हमने अपने अपने सब्जेक्ट्स के बता दिए और जो कंसर्न फैकल्टीज हैं बाकी सब्जेक्ट्स के उन्होंने सोल्यूशन भेजे हैं, तो जो अभी फिलहाल वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम ही लोग ने सारी चीज़ें आपको बता दिया उनके तरफ से भी। सो टेक्निकल का डिस्कशन हो चुका है, अब नॉन टेक्निकल का भी डिस्कशन कर लेंगे कुछ कुछ। पेपर देखा जाए तो मॉडरेट, इजी से मॉडरेट लेवल का ही था। जैसे रेलवे है, रेलवे का बहुत ही ज़्यादा वेटेज इस बार देखने को मिला, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए रेलवे से, ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी हाई वेटेज था। पूरे ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो रेलवे का वेटेज बहुत हाई था, और ट्रांसपोर्टेशन में भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो पेमेंट डिज़ाइन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कुछ आपके पेमेंट मटेरियल से क्वेश्चन पूछे गए। तो रेलवे, एयरपोर्ट और इनफैक्ट ब्रिज के भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो कुछ भी चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है ना, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, तभी आप आराम से 100% क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जितना भी अपन ने कराया उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे एनवायरनमेंट में भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में डिस्कस किए हुए थे, तो मैंने जो पढ़ाया था एनवायरनमेंट और एफएम तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना पढ़ाया उसी के अंदर में से आया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है उनका बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो सर पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही आया है। सो बेसिक लेवल के ही सारे क्वेश्चंस थे, तो आप सबसे अच्छे से बन गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो जब तक नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आलोक सर भी आप सबसे कुछ कहना चाहेंगे। सो अभी थोड़ी देर में जस्ट जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है ना, जो हमारे नॉन टेक्निकल वाले हैं वो भी, जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो में भी आई थिंक अमन सर डिस्कस करेंगे, या जो भी होगा अभी हम लोग को पता चल जाएगा। सो भी आप लोग एक बार उसको भी मैच कर लीजिए, और कैसा गया आप लोग का पेपर वो ग्रुप पे आप बता सकते हैं, हम लोग का नंबर है आप लोगों के पास, उसमें बता सकते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। सो दैट देखिए कट ऑफ का अगर मैं इसकी बात करूँ, क्योंकि थोड़ा सा लाइक उतना टफ पेपर ये नहीं, मैं बोलूंगा कि ठीक है मॉडरेट लेवल का पेपर है ये, अगर आप लोगों ने अच्छे से जस्ट बेसिक्स हर एक सब्जेक्ट का अगर आप लोगों ने कवर किया होगा तो डेफिनेटली आपका अच्छा आप लोगों ने इसमें अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। और जो हम लोग का जो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्स भी चलाया गया, तो उसमें भी ये चीज देखी गई थी कि लाइक टाइम हमारे पास कम था, तो उस लिमिटेड टाइम में हम लोगों ने बेसिक चीजें सारी डिस्कस की थी। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक से उधर हो गए होंगे, बट 90% क्वेश्चंस आप देखोगे कि हर एक सब्जेक्ट के बेसिक ही हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना सोम एंड एफएम में देखा, तो सोम का मैंने चेक किया तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है। हाँ, जैसा बता रहे थे कि हाँ एकदम लड्डू टाइप के क्वेश्चन थे सोम के, तो काफी इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस या सिंपल वो था, ठीक है। सो आगे हैं क्वेश्चंस इसके, ओके सो चलिए जितने हो गए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं क्या सर? 25-26 क्वेश्चंस के हम लोग के पास आंसर्स मिले हैं, तो एटलीस्ट उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। ओके तो सर आ नहीं पाए हैं अमन सर, तो जो भी हमारे नॉन टेक्निकल उन्होंने कुछ आंसर्स भेजे हैं, तो जितने भी आंसर्स भेजे हैं उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से, सो देट आप लोग उसको मैच कर पाओ। ओके सो यहाँ पे यस यस, ठीक है, तो 20-25 के आसपास हम लोग के आंसर्स मिले हैं, तो वो देख लेते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट वन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वन वेनगंगा रिवर फ्लोज कहां से, ये है ये आपका बालाघाट, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर है बालाघाट। सेकंड पूछा गया है चंदेरी इज फेमस फॉर, चंदेरी किस लिए फेमस है, सो साड़ीज के लिए फेमस है, ठीक है, सिंपल। और नेक्स्ट आते हैं मटकी डांस इज फेमस इन विच एरिया, मटकी डांस कहां पर फेमस है, सो ये आपका मालवा रीजन में है, सो मालवा रीजन आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है, मालवा रीजन के लिए। नेक्स्ट है हमारा विच इन विच डिस्ट्रिक्ट चिड़को टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड, है ना, तो ये कहां पर लोकेटेड है, सो ये है आपका राजगढ़ में, राजगढ़ में, ठीक है, राजगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा पोएट बिहारी वॉज रिलेटेड फ्रॉम, अब ये कहां से रिलेटेड है, अब देखिए इनमें अब ये क्वेश्चन जैसा पूछा गया थोड़ा सा वो है, मध्य प्रदेश में इनका शायद जन्म हुआ था और मेजर काम इनका जो है वो उत्तर प्रदेश में था, राजस्थान में भी वो काम किए हैं, तो अब हम यही मान के चलते हैं कि वो कहां पर पैदा हुए हैं, यही हमसे पूछा गया, तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो गए थे उत्तर प्रदेश में, तो ये थोड़ा सा वो है
बट उसके हिसाब से मैं मध्य प्रदेश इसको आंसर बता रहा हूँ जो मुझे आंसर मिला है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स का अभी मुझे नहीं मिला है यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर एट, यू आर एल स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर एट यू आर एल जो आप लोग टाइप करते हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए उसको यू आर एल बोलते हैं। सो यू आर एल आपका ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का। क्वेश्चन नंबर नाइन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है, तो ये सभी चीजें जो है ये सभी के सभी आपके ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन जो आपका है, ठीक है, वो सारी चीजें इसको ई कॉमर्स हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन के बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन का देखते आंसर मिला है क्या हमें। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर टेंथ का ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम सीनियर टू जूनियर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनमें सीनियर से जूनियर से लेकर पूछा गया है, तो किसी भी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, देन आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या इसमें आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, मतलब ऐसे भी जा सकते थे देखकर कि कैबिनेट तो सबसे बड़े होते, कैबिनेट सब में ऑप्शन है, अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट सब में स्टार्टिंग में इन्होंने कैबिनेट लिखा है, ठीक है, चलिए। सो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या पूछ रहा है, हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका बता पाना, मतलब इसको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम रहा होगा आप लोग के लिए, जो करेंट होते हैं वो तो आदमी तभी थोड़ा बहुत याद रखता है कि करेंट कौन है, बट चलिए फर्स्ट भी ये पूछ सकता था, बट इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन पूछा, मेन वो ना पूछ के, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुनाथ तमस्कर, ठीक है। सो ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा होता है। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपका स्टेट का हो गया, तो ये होगा नहीं, और कलेक्टिवली ऑल, तो फिर ये दोनों ऑप्शन आपके आपके ऐसे चले गए, और रूलिंग पार्टी ऐसा कोई वो नहीं होता, तो सिंपली यहाँ पर हमारा कैबिनेट, आई थिंक यहाँ पर अगर पार्लियामेंट होता तो वो बेटर ऑप्शन होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 13 का ऑप्शन बी रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर हमें मिला है ऑप्शन बी। In which of the article of the Indian Constitution there is a provision to constitute Gram Sabha in Gram Panchayat? ठीक है, Gram Panchayat वाला काफी important होता article, ठीक है, बहुत से exam में पूछा जाता है। Question number 14 के बाद question number 15 पर आते हैं। 15 क्या कह रहा है? When Madhya Pradesh was declared as open defecation free? ठीक है, so 2 अक्टूबर 2018 को इसको open defecation free state घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज बीन इनिशिएटेड अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम रन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, सो ये है पंख, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 17 में हमारा क्या कह रहा है, इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अंडर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू द बेनिफिशियरी फैमिली इन द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट दिया जाता है, तो इसका आंसर है आपका 4,000 रुपए, ठीक है। सो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए। और 18 की बात कर रहे हैं, 18 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मिशन ग्रामोदय योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो इसका आंसर आई थिंक अच्छा इसका आंसर नहीं प्रोवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। Then क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, इट वॉज द कैपिटल ऑफ राजभोग, सो इसका आंसर है 21 का ऑप्शन सी, 21।
ठीक है, 22 का हमारे पास आंसर नहीं है और 25th का आंसर तो सब 23rd का आंसर तो सभी लोगों ने सही किया होगा, ये काफी फेमस वो है, ठीक है। सांची स्तूप तो ये अशोका के द्वारा बनाया गया था, तो ये आई थिंक ये तो सभी लोग को ध्यान होगा, इसमें तो किसी ने गलती नहीं की होगी। क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसके आगे हमें कुछ आंसर प्रोवाइड किए गए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी है हमारे पास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। ओके, सो अमृतलाल वेगद इज रिलेटेड टू, ऑप्शन इसका बी है, 24 का हमारा आंसर बी दिया गया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सो 26 की बात करते हैं, इसके बाद 24 हो गया हमारा, 24 के बाद हमारा है 26 क्या कह रहा है, विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड द बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, तो जो भी ये चीज डिक्लेयर किए जाते हैं ना यूनेस्को के द्वारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी उसमें, ठीक है। 26 हो गया, देन उसके बाद हमारे पास और कौन से आंसर हैं। ओके, सो अभी के लिए हमारे पास इतने हैं, बट यस अभी थोड़ा हम और वेट करते हैं, तो क्योंकि अभी जो टीम है नॉन टेक वाली, वो अभी हम लोग को जो भी आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर नहीं है, सो उसको हम लोग यहाँ पर बता दे रहे हैं, सो देट आप अपना आंसर मैच कर सको कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। सो अभी तक हम लोग के पास करीब 22-23 क्वेश्चंस का हम लोगों ने नॉन टेक का देख लिया है, थोड़ा सा वेट करते हैं, इन द मीन टाइम तब तक आ जाएगा तो और भी सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो अभी तक आप लोगों ने जितना अपना मैच किया आंसर, तो उस हिसाब से आपको कैसा लग रहा है, कितना आप लोग का लगभग कितना परसेंटेज मार्क्स सही जा रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसका मतलब मोर देन 100 के ऊपर हो रहा हो, जो अभी तक जितना मैच किया गया उसे, या ऑलमोस्ट जितना भी बन रहा है, सो बताइए आप लोग। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें जो फास्ट ट्रैक बैच में थे, और कुछ ऐसे होंगे जो फास्ट ट्रैक बैच में नहीं थे, एसएससी जेई के बैच में थे, उन लोगों ने भी पेपर दिया होगा, ठीक है। सो कोई ऐसा बच्चा जो भी लाइव में है और एसएससी जेई के बैच में था हमारे, उसका कैसा पेपर गया एक बार जरा अपना बताएगा। ठीक है, सो चलिए कुछ और आंसर आए हैं, जैसे हाँ ठीक है, 29 का यहाँ पर क्या दे रहा है, विच ऑफ द स्पोर्ट, ये हाँ इसका आंसर बी है, 29 का बी है, और तीसरे का सी, और क्वेश्चन नंबर 30 का सी आंसर मिला है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका सी मिला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर्स हैं जो हम लोग को अभी मिले हैं, तो और जो रिमेनिंग हैं उनको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको डाल देंगे जो भी आंसर्स हैं, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं कि क्या आंसर्स हैं, ठीक है, तो वहां से आप लोग मैच कर लीजिएगा और अपने हिसाब से जैसा भी आपका जो भी मार्क्स आ रहा है आप लोग ग्रुप में हमको बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का, किसी का बहुत अच्छा आ रहा है तो बताइए, इसमें सिलेक्शन होता है तो फिर बताइए, ठीक है। ओके, चलिए फिर सेशन एंड करते हैं, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।